हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा जी सोनी मर्जर के बारे में। साथ ही दोस्तों, वायाकॉम 18 और बीसीसीआई के मीडिया राइट्स को लेकर कुछ अपडेट है जो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो बने रहे इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूं, जी सोनी का विलय अधूरा, डिज्नी स्टार वायकॉम 18 के बीच बीसीसीआई मीडिया के अधिकारियों के लिए लड़ाइयां चल रही है। तो आपको बता दूं दोस्तों, काफ़ी इंतजार और अटकलों के बाद बीसीसीआई मीडिया राइट्स टेंडर मंगलवार को आने वाला है। जबकि ऐसी अटकलें थी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई जारी करने से पहले सोनी जी विलय का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए अब जो आईपीएल मीडिया के अधिकार के सौदे जो होने वाले हैं, उसके बाद कुछ दांव पर होने के कारण शीर्ष प्रसारक के लिए लड़ेंगे। सम्मान निधि, डिज्नी स्टार, हॉट स्टार, वायाकॉम 18, स्पोर्ट्स 18, जियो सिनेमा और सोनी 10 लिव वाले जो चैनल्स के अलावा फैनकोड 5 साल की अवधि के लिए टीवी और डिजिटल अधिकारियों के लिए अलग अलग जो है प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। महीने भर चलने वाली इस प्रक्रिया से सभी खिलाड़ियों के बीच एक और बोली की होने वाली है, युद्ध छिड़ने वाली है। बीसीसीआई को आईपीएल में मीडिया अधिकारों के लिए 48,390 करोड़ की बिक्री के बाद लाभ होने की उम्मीद है। बीसीसीआई के पिछले प्रसारक सौदे से 4 साल लंबे थे, इसलिए नया टेंडर 5 साल के लिए जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि जीतने वाली पार्टी के पास 2028 तक घरेलू स्तर पर सभी भारतीय मैचेस को और घरेलू क्रिकेट मैचों को दिखाने का अधिकार रहने वाला है। डिज्नी हॉट स्टार आईपीएल के स्टार स्पोर्ट्स के चले जाने के बाद से डिज्नी स्टार को प्रतिस्पर्धा बनने रखने के लिए भारतीय क्रिकेट डिजिटल अधिकारों की आवश्यकता है। एचबीओ के भी डिज्नी प्लस हॉट स्टार छोड़ने के बाद अब भारतीय घरेलू मैच अधिक मायने रखते हैं। अब बात करें दोस्तों, वायाकॉम 18 के पास जहां स्पोर्ट्स 18 चैनल है और जियो सिनेमा ओटीटी ऐप है, वायाकॉम के पास डिजिटल के लिए बहुत सारी पेशकश किए गए हैं, लेकिन आपके पास टीवी पर भारतीय क्रिकेट मैच के कंटेंट की कमी है। टीवी दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए वायाकॉम से कम टीवी अधिकार हासिल करने के लिए बेताब होगा। और यूएई चैंपियन लीग्स और यूएसपी इंग्लैंड क्रिकेट अधिकारियों के अलावा सोनी ने भारत में अपनी पकड़ खो दी है। टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म को पुनर्जीवित रखने के लिए सोनी को भारतीय क्रिकेट की ज़रूरत होगी। सोनी के साथ जी और सोनी के साथ विलय अभी भी लंबित है, यानी कि अभी भी पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। जी अधिकार प्राप्त करने के लिए प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देने के लिए विलय की उम्मीद कर रहा होगा। अब कोई नया खिलाड़ी नहीं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ अच्छी खेल संपत्तियों के साथ आपको लगातार बढ़ने को देखते मिल रहा है। बीसीसीआई मीडिया अधिकार जो होंगे उसमें नई डील 5 साल के लिए होने वाले हैं, जो कि जो भी चैनल जीतेगा, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जीतेगा, अगले 5 साल तक घरेलू प्लस आईपीएल जो भी मैचेस होगा उसका लाइव प्रसारण करेगा। डिजिटल और टीवी दोनों अधिकार अलग अलग होंगे, क्योंकि डिजिटल में तेज़ी से आपको रुझान लोगों की तरफ देखने को मिलने वाला है। यानी कि पहले होता था ना, एक ही में हो जाता था, अभी डिजिटल के लिए अलग बोली लगेगी और लीनियर कंटेंट के लिए अलग से बोली लगने वाली है। बीसीसीआई को 48,390 करोड़ रुपये तक का लाभ होने की गुंजाइश है। और इसके साथ ही बता दूं, डिज्नी स्टार पिछले बार 103 मैचों के लिए 6,138 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसमें प्रति मैच 61 करोड़ रुपए का मूल्यांकन किया गया था, इसलिए बीसीसीआई को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की उम्मीद है। आईपीएल के डिजिटल अधिकार 23,758 करोड़ रुपए की राशि में बेचे गए हैं, जबकि बाकी के जितने भी मैचेज हैं अगले 5 वर्ष के लिए 410 मैचों के लिए 23,575 करोड़ रुपये में बेचे जाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। और अभी जो जितने भी अगले 5 साल के लिए डिजिटल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स है, उसके लिए जियो सोनी विलय काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि सोनी के पास 10 के सभी स्पोर्ट्स चैनल है और जियो सोनी जब एक साथ पूरे तरीके से मर्ज हो जाता तो कहीं ना कहीं इनके चांसेस थे कि अपने स्पोर्ट्स चैनलों पर राइट्स लेने का और अच्छे तरीके से इंडिया में मैचेस को दिखाने का। यहाँ पे स्टार काफ़ी ज़ोर शोर से राइट्स लेने के लिए है, ऑलरेडी उनके पास आईपीएल वगैरह सबके राइट्स हैं ही, और यहाँ पे स्पोर्ट्स 18-1 आने से थोड़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है। अब देखना होगा कि सोनी स्टार और वायकॉम में से किसके पास सभी मैचेस के राइट्स जाते हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। होप सो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स लॉट।